आगरा मंडल एमएलसी चुनाव को लेकर चुनावी माहौल गर्म नजर आ रहा है। वहीं लोगों ने एमएलसी चुनाव को लेकर अपना अपना समर्थन देना शुरू कर दिया है। उसी बीच आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता लोकेश तिवारी ऑफ लवी भारद्वाज ने बताया कि हमारे विकास संगठन अध्यक्ष श्री गोपाल राय जी कैबिनेट मिनिस्टर दिल्ली सरकार ने अपना समर्थन दिनेश कुमार शर्मा को दिया है। आज हम अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ दिनेश कुमार शर्मा को आम आदमी पार्टी का समर्थन दिया है। वहीं हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल ने शिक्षा के लिए किया है। दिनेश कुमार शर्मा उसी नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं। उसी को देखते हुए हमने उन्हें जिताने का संकल्प लिया है। जैसे दिल्ली सरकार ने स्कूल व कॉलेजों को मॉडल बनाया है, उसी प्रकार यूपी में अभी हम दिनेश कुमार के नेतृत्व में देखना चाहते हैं। वहीं लोकेश तिवारी ने दिनेश कुमार शर्मा को वार्ड नंबर 36 से जिताने का भी आश्वासन दिया। कहा कि हमें ऐसा ही एमएलसी चाहिए जो शिक्षकों की आवाज के लिए हरदम खड़ा रहे, और दिनेश कुमार शर्मा शिक्षकों की आवाज हमेशा उठाते रहे हैं। हमने दिनेश कुमार शर्मा को इसलिए समर्थन दिया है कि वह हमेशा शिक्षकों के बारे में प्रयास करते नजर आए हैं। एमएलसी ऐसा होना चाहिए जो स्कूल और शिक्षकों को मिलने वाली सहायता के लिए आवाज उठाता रहे। हम आम आदमी पार्टी से हैं। हमारे जो आम आदमी पार्टी श्रमिक विकास संगठन, जिसके अध्यक्ष श्री गोपाल राय जी कैबिनेट मिनिस्टर दिल्ली सरकार के हैं, वो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपना पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन दिया है दिनेश कुमार जी को, और हम इनके साथ जी जान से लगे हुए। करीब 100 कार्यकर्ताओं हमारी टीम लगी हुई है, और आने वाले एमएलसी का 1 दिसंबर को चुनाव होगा, इसमें ज्यादा से ज्यादा वोट डलवाने का कार्य करेंगे। ऐसा दिनेश शर्मा जी के अंदर क्या है जो आप उनके लिए समर्थन कर रहे हैं, ऐसा क्या इन्होंने खास किया? इन्होंने शिक्षा मित्रों की सबसे बड़ी तो लड़ाई हमारे देश में आज के समय में उत्तर प्रदेश के अंदर 1.5 लाख शिक्षा मित्र जो बेरोजगार की तरह जिंदगी जी रहे, जिनके मानदेय को बहुत कम कर दिया गया है, उनकी लड़ाई लड़ने का कार्य हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक के लिए किया है। दूसरी चीज, हमारे केजरीवाल जी शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्होंने काम दिल्ली सरकार ने करके दिखाया है, उसी मॉडल को लेकर के चलना चाह रहे हैं। उन्होंने हमारे राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात की है, और हो सकता है एक दो दिन वो बड़े स्तर से भी ऐलान कर दें, तो हम अपने नेताओं के अनुसरण से हिसाब से चल रहे हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाह रहे हैं, जिनको इस जज्बा को देखते हुए हमने इन्हें समर्थन देने का ऐलान किया। जिस तरह आप समर्थन देकर दिनेश शर्मा जी जिता रखा था, अगर कुछ अगर जीत जाते हैं तो उसके लिए आम जनता के लिए और शिक्षकों के लिए किस तरीके की आपकी मांग रहेगी? हमारी प्रथम मांग रहेगी कि जो सर गवर्नमेंट स्कूल है उसके लिए आवाज ये उठाएं कि गवर्नमेंट स्कूलों में सरकारी टीचर हैं, वो सरकारी टीचर अपने कर्तव्य ईमानदारी से काम करें। दूसरी चीज, जो सरकारी स्कूलों में जो विकास के लिए पैसा है, वो किसी भी प्रधान इन नेताओं के फंड से अलग हटके स्कूल की समिति बनाई जाए ग्राम पंचायत स्तर पे, जो केजरीवाल जी ने दिल्ली में बना रखी है। वो पंचायत समिति अपना फैसला करेगी कि हमें स्कूल में कैसा विकास कराना है, क्योंकि हम देखते हैं कि स्कूल बन के तैयार हो जाते हैं, 2 साल में उसकी चद्दर उखड़ने लग जाती है, तो हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए स्कूलों में। स्कूलों में ऊपर से जो पैसा है वो पंचायत समिति उसका निर्धारण करे, न कि कोई नेता उसका निरीक्षण करे। वही एक चीज और आपके सामने आ गई, जैसे दिक्कत पार्टी है तो सामने दिनेश शर्मा जी निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो आपकी तरफ से किस तरीके से इसकी तरफ से पहल रहे हैं? हमारी तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से पूर्ण रूप से इनको समर्थन है, जैसा भी तन से मन से धन से।